Chhattisgarh, Kotta CM ga Bhupesh Baghel, Pramana Swikaran chestunnaru vaa live chudam. और इसके साथ ही हम मंचस्थ अतिथि गणों को स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं स्थान ग्रहण करने के लिए, और राज्य के मुख्य सचिव माननीय श्री अजय सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं शपथ ग्रहण समारोह के संचालन के लिए. माननीय श्री अजय सिंह जी. माननीय राज्यपाल महोदया, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदया, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं. निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं. मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. धन्यवाद. महोदया, नवनियुक्त मंत्री श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं. निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं. मैं त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा. मैं
छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदया नवनियुक्त मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं ताम्रध्वज साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से